खुसूस यहां के लिए पेश कर रहा हूं क्योंकि हजरत बुखारी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जो बुलाया ये तकदीर की बात है, वरना कोई टाइम नहीं था। ये जकी भाई की मेहनत है, इसमें तमाम लोगों की मेहनत है, तौसीफ भाई की, हाजी साहब की, इसलिए नजर कर रहा हूं काली है। इस प्रोग्राम में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे ही रास्ते बंद हो गए थे, इतने सारे फोन कॉल्स ये वो सब, लेकिन जब इनको बुलाना होता है तो ये बुलाते हैं। इसलिए बिल्कुल एक नया कलाम है भाई, ये मौका उर्स का आया। मिन्हा साहब, शिराज भाई, ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूं, खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूं, मौका उर्स का आया तो मैं भी इधर पे आया हूं। इलियास सजा, खुला बाबे करम पाया तो मैं भी इधर पे आया हूं, जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके, बुखारी शाह ने बुलवाया तो मैं भी इधर पे आया हूं। बुखारी शाह, कैफी भाई, घटा छाई है आज दरबार में, बुखारी शाह के बहार आई है आज दरबार में, बुखारी
कैफी भाई, जिसका सानी ही नहीं है ऐसा मेरा पीर है, मिल गया है इनका दामन ये मेरी तकदीर है, अच्छा लगा ये मेरी तकदीर है, जिसका सानी ही नहीं है ऐसा मेरा पीर है, मिल गया है इनका दामन ये मेरी तकदीर है, जब कभी घबराया गम से इनको पाया रूबरू, ऐ फराज़े सबरी निस्बत की ये तासीर है, भाई हाजी साहब ये देख के बोले कि तेरी आंखों क्यों नम है, ये देख के बोले कि तेरी आंखों क्यों नम है, जब हम हैं तेरे साथ तो किस बात का गम है, जब हम हैं तेरे साथ तो पत्ता भी ना उखड़, पेड़ तो क्या है ये पत्ता ना उखड़ने देंगे, ये मेरा दामन हस्ती ना उजड़ने देंगे, बुखारी शाह मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे, कुछ ना बिगड़ने देंगे, पेड़ तो क्या ये पत्ता भी ना उखड़ने देंगे, ये मेरा दामन हस्ती ना उजड़ने देंगे, बुखारिशा मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे, बुखारिशा मेरा कुछ भी ना बिगड़ने, जिसकी मुझे तलाश थी कि पूरी कमेटी मेरे सामने होगी तभी ये कलाम पढ़ूंगा। तसव्वुफ भाई ने सुनाया, कोई नहीं ख्वाजा के जैसा मैंने सुनाया। अब ये थोड़ा सा हटके है, दुनिया भी रंग है लेकिन जज्बात है, और आजकल ये कंपोजिशन भी बड़ी मकबूल है। क्या मेरे बुखारी वली 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 देख रहे हैं, इसी के साथ थोड़ा सा मुझे बढ़ा दो भैया। मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, वो करम से सजाई मजा आ गया, ¡Gracias!
गई मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली बुखारी वाली रब ने तेरी गली वो करम से सजाई मजा आ गया मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली वो करम से सजाई मजा आ गया उर्स ऐसा हुआ उर्स ऐसा हुआ जा पिया उर्स ऐसा हुआ आए बाजा पिया तुझको देने बधाई मजा आ गया आए बाजा पिया तुझको देने बधाई मजा उर्स ऐसा हुआ से सजाई मजा आ गया ए वो करम से सजाई उर्स ऐसा हुआ आए बाजा पिया उर्स ऐसा हुआ आए शेख वली तुझको देने बधाई मजा आ गया देखो मजा आ गया ऐसा हुआ शेख वली तुझको देने बधाई ऐसा हुआ आए बाजा पिया तुझको देने बधाई मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली वो करम से सजाई उर्स ऐसा हुआ आए सब औलिया तुझको देने बधाई मजा आ गया भाई कैफी साहब इलियास सजा मिनहाज भाई पूरी कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं बड़े भाई का मैं भाई का नाम भूल गया वसीम भाई और तौसीफ भूरे साहब मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। देखिए एक एक पन मैंने यहां की हिस्ट्री पे लिखवाया है तो मेरी इल्तजा है कि इसको बगौर होके कैफी भाई भाई जो आज का नजारा है बडोली का क्या हर तरफ नूरे अहमद की बरसात है हर तरफ नूरे अहमद की बरसात है जैसे दुल्हन बनी आज की रात है कल्याण नजदीक है और हाजी मलंग बाबा का रोजा नजदीक है इसलिए मैं ये बन खड़े होके पढ़ रहा हूं क्या हर तरफ नूरे अहमद की बरसात है जैसे दुल्हन बनी आज की रात है बोले हाजी मलंग मरहबा मरहबा बोले हाजी मलंग मरहबा मरहबा आज तो मेरे भाई मजा आ गया बोले हाजी मलंग मरहबा मरहबा आज तो
भाई हो, कैफी साहब हो, वसीम भाई हो, असलम हाजी साहब हो, हमारे जकी भाई हो, या पूरी कमेटी, तौसीफ भाई, भाई का नाम क्या है, वारिस भाई हो, ये आप लोगों की जिंदगी है इस बंद में। क्योंकि 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, आप उठाते हुए इसको इलियास साहब दुख नहीं करते, क्योंकि सरकार की शान में सरकार के लिए उठाते हैं। इसलिए ये बंद नजर कर रहा हूं, बगौर होके सुने, ना कोई पैसे दे ना इधर उधर जाए, बच्चे भी तवज्जो दे। हाजी साहब, जिसको देखो वो है तेरी मस्ती में गुम, मस्त सारे ये कहते हैं तेरी कसम, जिसको देखो वो है तेरी मस्ती में गुम, मस्त सारे ये कहते हैं तेरी कसम, मेरे बुखारी शाह ऐ मेरे साथिया, मेरे बुखारी शाह ऐ मेरे साथिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, ऐ मेरे साथिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, ऐ मेरे साथिया। इसमें सभी की मेहनत है। अरे बच्चों, ए बच्चों, नीचे उतरो, नहीं आराम से, तुम्हें सबको 150 रुपए मिलेंगे सुबह, बैठ जाओ इतना। रे 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 नि रे धानी बदा मा बदा द द द धानी रे रे मदा नि द रे सारे नि द धानी बा मा बदा ने रे दादा दा मेरे तुम्हारी का ऐ मेरे साथिया तूने ऐसी पिलाई मदा मिन्हाज भाई, इसमें सभी की मेहनत है। वारिस भाई सुनना, जकी भाई, इसमें सभी की मेहनत है। वो तौसीफ भाई हो, जकी भाई हो, लेकिन मुझे ये बता दें कि सरकार को तो सभी प्यार करते हैं। मैंने इसमें कुछ एडिशन किया है जो नजर कर रहा हूं, क्या आप में से सदर कौन है इस महफिल के? जकी भाई और असलम भाई, पूरी कमेटी तवज्जो दे। कोई इलियास चाचा को ये ना सोचे कि मैं एक के लिए पढ़ रहा हूं, मैं सबके लिए ये बंद, लेकिन इसमें एक का नाम आना है तो वो तवज्जो दे। क्या ये वडोली के राजा का दरबार है, वडोली के राजा का दरबार है, ये वडोली के राजा का दरबार है, सारे खादिम यहाँ के वफादार है, सारे खादिम यहाँ के वफादार है। यहाँ के वफादार है, हो मुबारक तुम्हें, हो मुबारक तुम्हें हाजी असलम साहब, हो मुबारक तुम्हें हाजी असलम साहब, क्या कमेटी बनाई मजा आ गया, मुबारक तुम्हें हाजी असलम साहब, मुबारक तुम्हें
खादिम यहाँ के वफादार है। हो मुबारक तुम्हें असलम भूरे साहब, हो मुबारक तुम्हें हाजी असलम साहब। बल्कि बनाई नहीं क्या कमेटी सजाई मजा आ गया। आखिर में ये पेश कर रहा हूं मिन्हाज भाई, मुझे सरकार की नस्बतों से वसीम भाई हुजूर गरीब नवाज ने कुछ ऐसे इनामात से नवाजा है जो मैं शान पे कुर्बान हूं। बचपन से उरूज दे दिया, जवानी में कदम रखा तो उरूज दे दिया, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो गाड़ियां दे दी, और एक नहीं दो दो तीन तीन दिलवाई है सरकार ने। तो इस दानिश भाई जरा काफिया सुनना, तवज्जो चाहूंगा। ये निस्बत अच्छा, मैं हुजूर गरीब नवाज जकी भाई हुजूर गरीब नवाज की निस्बत से पढ़ रहा हूँ, और इसमें एक एडिशन है क्या। आसिफ काशी भी है दीवाना तेरा, आसिफ काशी भी है दीवाना तेरा। कैफी भाई, आसिफ काशी भी है दीवाना तेरा, गाता है अनीस साबुरी तराना तेरा। एक ऐसी चश्मे करम तूने की है सनम, कार मुझको दिलाई मजा आ गया। आपकी दुआएं हैं, कैफी भाई की, जकी भाई की बहुत मेहनत है। मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इतनी प्यारी महफिल अता फरमाई है। भाई क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद कैफी भाई। अल्लाह ये जोड़ियां सलामत रहे।
वाह 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 वाह, तूने तराश कर मुझे हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार इन्हीं पत्थरों में था। मैं शुक्रगुजार हूं। आखिर में मीना साहब, अब कोई पैसे देने नहीं आए, बेटा थोड़ा सा बड़े हो जाना। एक लास्ट आइटम नजर करना चाहता हूं जकी भाई, जो हुक्म है मेरे भाइयों का। हुजूर बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक जोगन है, ये सुनने वाली बात है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। अब वो जोगन दरबार में नाचती है, उसके पैरों की आवाज जो घुंघरू की आती है, वो नजर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा है सरकार की हदीस पाक है कि किसी का दिल ना तोड़ूं। चलते चलते 5 मिनट ले रहा हूं। उसके पैरों से घुंघरू की आवाज किस तरह से आती है, मैं तवज्जो चाहूंगा सकी साहब। मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, वो करम से सजाई मजा आ गया। मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली, करम से सजाई मजा आ गया। थोड़ा सा इसको जावेद भाई बढ़ा देना, अगर पसंद आए तो पैसे मत देना, सिर्फ अपनी दाद दे देना। बाजा कम भूरे भाई, एक मिनट तवज्जो, वो किस तरह से नाचती है सरकार के दरबार में। में ही हाजी असलम साहब का गुजर होता है और कहते हैं, पागल ये शहंशाह का दरबार है, यहां घुंघरू बांध के नाचती है। तो घुंघरू उतारती है और पायल पहनती है, उसकी पायल की आवाज किस तरह आती है जरा समाप्त फरमा लें। तवज्जो कैसे, और अभी कोई पैसा देने नहीं आया, सिर्फ आर्ट देखें। पायल किस तरह से बचती है धीरे धीरे। क्या बात है, करके आगे उसकी खुशी का आलम क्या होता है जरा समाप्त कर लें। इकट्ठे लूंगा अभी नहीं, एक साथ लूंगा, अभी बैठो। आता हो गई है करम की
उसके बाद दानिश भाई आपके रूबरू होंगे। मिन्हा साहब इंशाल्लाह पहले आखिर में मेरा ये आर्ट देखें। कैफी भाई पहले जमाने में हमारी दादी पड़दादी सगड़ दादी नगड़ दादी पगड़ दादी तक होती थी। नाक में नतनी झूमर टीका बूंदे बाले ये वो और कसम खुदा की पैर में आधा आधा किलो की एक फांसी। आजकल तो दस क्या कहते हैं उसको एक सौ ग्राम भी संभाल नहीं पाते। उस जमाने में आधा आधा किलो की एक पांजेब पहनती थी। पांजेब ऐसी होती है कि जिसमें कम से कम एक पांजेब में 500-600 घुंघरू होते हैं और उनकी आवाज किस तरह से आती है। अब यहाँ मटका भी रखा है और कुएं पे जाती है पानी भरने। उस जमाने में ये टंकियां हैंडपंप नहीं होते थे, कुएं होते थे। तो किस तरह से जा रही है जरा समाज फरमाए। तवज्जो दानिश भाई ये भी आर्ट है। हाँ कैसे किस तरह से जा रही है पानी भरने। यहां पे मटका भी रखा है उसका भी ख्याल समाप्त करें। पांजे इकट्ठे लूंगा अभी नहीं एक साथ। एक मिनट दे दो बस। अब कुएं पे पहुंचती हैं, कुएं में डोल डालती हैं, तो जो हाथ के घुंघरू हैं वो किस तरह बोलते हैं जरा समाप्त फरमाएं। डोल पड़ गया अब निकालती कैसे। मेरे बुखारी वाली रब ने तेरी गली रम से सजाई मजा।